कम पनी तो ये कंपनी वर्ड कहाँ से आया है कम का मतलब होता है टुगेदर और पनीज़ का मतलब ब्रेड रोटी मर्चेंट्स यूज टू डिस्कस बिजनेस मैटर्स वाइल टेकिंग मील्स टुगेदर एट फेस्टिव गैदरिंग्स पुराने समय में मर्चेंट्स वगैरह व्यापारी वगैरह वो बिजनेस मैटर्स को डिस्कस करते थे कहाँ करते थे जैसे फेस्टिव गैदरिंग समारोह वगैरह होते थे वहाँ पर क्या कहते हैं एक साथ खाना खाते हुए ठीक है तो टेकिंग ब्रेड टुगेदर ओके जब एक साथ खाना खा रहे हैं उस टाइम इसमें मैटर्स को डिस्कस करते थे तो यहाँ से वर्ड कंपनी आया कंपनीज टुगेदर टेकिंग ब्रेड ओके इसका कंपनी का मीनिंग क्या होता है कंपनी का मीनिंग होता है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ सम बिजनेस किसी बिजनेस को करने के पर्पस से बनाया गया एसोसिएशन हो इंडिविजुअल्स का उसे कहते हैं कंपनी ये हो गया मीनिंग इसकी डेफिनेशन जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी में दी गई है कंपनी किसे कहते हैं कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी वह कहलाएगी जो कि कंपनीज एक्ट या फिर उससे पहले कोई कंपनी लॉ हो उसके अंतर्गत फॉर्म की गई हो बनाई गई हो और रजिस्टर की गई हो उसे कंपनी कहा जाएगा कंपनीज जाएग एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन में आ गया मीनिंग और डेफिनेशन हो गए अब है कंपनी की नेचर और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं किस तरह का नेचर होता है कंपनी का और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के तो कंपनी की इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस होती है एक स्वतंत्र कॉरपोरेट अस्तित्व होता है एक कंपनी का यह एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है कंपनी जो है डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स शेयर होल्डर्स सब्सक्राइबर्स अब कोई कंपनी है वो बनी है उसके मेंबर्स शेयर होल्डर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा उसके अंदर ये सब लोग हैं मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं तो इन लोगों की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है और कंपनी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है ठीक है इन कंपनी का अपना अलग अस्तित्व है कंपनी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है ठीक है और उसकी अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी है लिमिटेड लाइ लाइबिलिटी मेम्बर्स की कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स लाइबिलिटी ओनली फॉर देयर शेयर कैसे जैसे मान लो हंड्रेड शेयर्स ऑफ टेन ईच पेड रुपीज़ फाइव फॉर ईच शेयर लाइबिलिटी फॉर ओनली फाइव हंड्रेड मान लो किसी पर्सन के पास हंड्रेड शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू टेन है टोटल वन थाउजेंड रुपीज़ का अमाउंट हुआ ठीक है अब इसमें से उसने हर शेयर के पाँच रुपये उसने पे कर दिए टोटल टू पाँच सौ रुपये उसने पे कर दिए अब रिमेनिंग अमाउंट जो है अनपेड वचा पाँच सौ रुपये ठीक है फाइव हंड्रेड रुपीज़ ये अमाउंट इतना बचा तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो केवल इस अमाउंट की होगी जो अभी अनपेड है बाकी जो अमाउंट पे कर दिया उस के लिए अब वह जिम्मेदार नहीं होगा वह व्यक्ति शेयर होल्डर जो है केवल इस जो अनपेड अमाउंट है फाइव हंड्रेड इसके लिए लाइबल होगा इससे ज़्यादा वो लाइबल नहीं होगा ठीक है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट की है जो बचा हुआ है अमाउंट अभी पे नहीं किया है उसने मेंबर ने और कंपनी की लाइबिलिटी जो है कंपनी की जिम्मेदारी किसी स्थिति में अगर उसे कहीं कोई कर्ज वगैरह चुकाना हो तो वो अनलिमिटेड है लाइबल टू पे एज़ लॉन्ग एज एसेट्स आर अवेलेबल जब तक एसेट्स वगैरह कंपनी के होंगे ऐसे कंपनी के पास संपत्ति होगी तब तक वह पे करने के लिए क्या कहते हैं किसी कर्ज वगैरह को पे करने के लिए जिम्मेदार होगी तो ये होगी लाइबिलिटी परपैचुअल सक्सेसन अब ये क्या होता है परपैचुअल सक्सेसन एक शॉर्ट में बताते हैं मान लो अगर कंपनी बनी हुई है मेंबर्स वगैरह से अगर मान लो सब मेंबर्स भी खत्म हो गए लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस सब भी रहेगी चाहे उसके सारे मेंबर्स भी ख़त्म हो जाएं कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी तो प्रोफेसर गो, गोवर ने एक सिचुएसन बताई है ड्यूरिंग वॉर अगर युद्ध के समय सभी मेम्बर्स जो कि जनरल मीटिंग में थे वो बॉम्ब के थ्रू मारे गए एक कंपनी के सारे मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स मारे गए बॉम्ब के थ्रू लेकिन बट कंपनी सर्वाइव्ड लेकिन कंपनी कम्प, तब भी सर्वाइव करेगी चाहे सारे मेंबर ख़त्म हो जाएं इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कुड नॉट डिस्ट्रॉय इट हाइड्रोजन बॉम्ब भी कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकता ठीक है चाहे सारे मेंबर्स को ख़त्म कर दे मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर मेम्बर्स जो हैं सदस्य जो हैं वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा रहेगी डेथ एंड इंसॉलवेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस कोई इंडिविजुअल मेंबर जो है कंपनी के उनकी मृत्यु होने पे या उनके इंसॉलमेंट होने पे उनके दिवालिया होने पे से कंपनी की एग्जिस्टेंस कंपनी के अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी एग्जिस्ट करेगी कब तक करेगी जब तक कि कंपनी को वाउंड अप नहीं कर दिया जाए ठीक है उसको डिजॉल्व नहीं कर दिया जाए तब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी चाहे उसके मैंबर आए जाएँ उनकी डेथ हो इंसॉलमेंट हो चाहे सारे मेंबर्स खत्म हो जाए लेकिन कंपनी रहेगी यह होता है परपैक्चुअल सक्सेशन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफिलिटी कैसे होगी मेंबर्स कैन सेल और ट्रांसफर देयर शेयर्स मेंबर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं इससे क्या होगा दे विल गेट द अमाउंट दे इन्वेस्टेड जितना पैसा उन्होंने लगाया था उन शेयर्स को खरीदने के लिए वह पैसा उनको वापस मिल जाएगा दे विल गेट रिलीव ऑफ लाइबिलिटी और वह अपनी जिम्मेदारी से भी रिलीव हो जाएंगे क्योंकि शेयर्स के साथ राइट्स भी मिलते हैं तो लाइबिलिटी भी होती है ड्यूटीज भी होती हैं तो दोनों चीज़ों से वो रिलीव हो जाएंगे उनको उनके राइट्स भी चले जाएंगे शेयर्स के साथ उन उसके बदले उनका पैसा मिल जाएगा उनकी लाइबिलिटीज ड्यूटीज़ में वो भी शेयर के साथ चली जाएंगी इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी इससे कंपनी को स्टेबिलिटी मिलती है और एंड इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है वो शेयर्स को बेच के या क्या कहते ट्रांसफर करके उस पैसे को ले सकते हैं उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी ठीक है सेपरेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी वेस्टेड इन कॉरपोरेट बॉडी कंपनी की प्रॉपर्टी जो होती है कंपनी की कॉरपोरेट बॉडी जो, जो वेस्ट बनाई गई है कंपनी को जो फॉर्मेशन हुआ है वो कंपनी में होगी उसका स्वामित्व प्रॉपर्टी का कंपनी के पास होगा कंपनी की प्रॉपर्टी का कंपनी कैन होल्ड इन प्रॉपर्टी कंपनी होल्ड कर सकती है इन्जॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को नो मेंबर नॉट इवन ऑल मेंबर्स कैन क्लेम ओनरशिप कैन क्लेम ओनरशिप ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस और वाइंडिंग अप कोई भी मेंबर या फिर सारे ही मेंबर मिला के वह कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते ठीक है कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी है इन मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है कंपनी के एग्जिस्टेंस के टाइम भी जब कंपनी है और कंपनी जब वाउंड अप जब खत्म की जा रही हो तब भी वो क्लेम नहीं कर सकते क्या कहते हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी रहेगी मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी ठीक है ये सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया लीगल पर्सन अ कंपनी कैन स्यू और कैन बी स्यूड इन इट्स कॉरपोरेट नेम अगर कोई कंपनी है उसने अब एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम से रजिस्टर हुई है तो उसका ये नाम हुआ एक्स वाई जेड लिमिटेड तो इस नाम से अगर किसी के खिलाफ उसे लीगल एक्शन लेना है किसी के खिलाफ अगर कोई उसको डैमेज़ के लिए किसी को ब्रिज के लिए कोई एक्शन लेना है तो वह इस नाम से उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं लीगल एक्शन ले सकती है या फिर अगर किसी व्यक्ति को कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना है तो वह कंपनी के नाम के खिलाफ कि एक्स वाई जी लिमिटेड के खिलाफ मैं एक्शन ले रहा हूँ इस नाम से वह कंपनी को सू कर सकता है तो कंपनी अपने नाम से दूसरे को सू कर सकती है लीगल एक्शन ले सकती है और कोई व्यक्ति कंपनी को सू कर सकता है कंपनी के नाम से ठीक है कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक बाय पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी जो है पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है कैसे पब्लिक इशू जैसे उस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह जो हैं उनको पब्लिक इशू ओपनली इशू कर दिया जाए कि कोई भी आके उन शेयर्स को डिवेंचर्स को खरीद सकता है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्राइवेटली किसी व्यक्तियों के या किसी कंपनी वगैरह को वह क्या कहते हैं शेयर्स या डिवेंचर्स दे सकते हैं और उससे उनको पैसे मिल जाएंगे वह पैसे कलेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स स्किल्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स इट डिसोसिएट ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल ऑफ बिजनेस दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनमी ये क्या है जैसे अब कंपनी के ओनर जो हैं जो प्रोमोटर मेंबर्स वगैरह वो तो अपना अलग हो गए और कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स इनके थ्रू होगा इससे क्या होगा ओनरशिप जो होगी बिजनेस के कंट्रोल से अलग हो जाएगी इससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उसकी ऑटोनमी बढ़ेगी ठीक है तो ये, आ तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो ये हो गए आपके कंपनी कम, की कंपनी का आपका मीनिंग क्या था उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन उसके फिर एडवांटेजेस और नेचर ये हो गए अब इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में अगर रिविजन के लिए ये पी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं अब डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं